हाय गाइस, वेलकम बैक टू जस्ट रिव्यूज़। और आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है जस्ट रिव्यूज़। और मेरा नाम है अंबु श्रीवास्तव। आई होप कि आप मुझसे पहले मिल चुके होंगे मेरे ही चैनल पे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर मैं आज आपके सामने हूँ तो जाहिर सी बात है फिर से मैं कोई ना कोई रिव्यू लेके आया हूँ। वो रिव्यू क्या है मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मैं किस चीज़ का रिव्यू कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं प्रेस्टीज का कप्रेस का। क्या है ये है नॉन स्टिक कुकवेयर और इसका साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, 4.2 लीटर है, 2 साल की वारंटी के साथ में है। डिज़ाइनिंग भी आपके सामने है, कॉपर कोटेड है लिड के साथ में। इसे ओपन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आइए इसको ओपन करते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है इसमें। काफ़ी जो है मेहनत से निकालने वाली चीज़ें हैं, निकाल रहा हूँ मैं। उसमें मुझे मिला लिड, ठीक है, जो लिड है लिड निकाल के रख देता हूँ। और इसके साथ में मिलता है मुझे एक वॉक, काफ़ी बड़ा साइज़ है और कलर भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसमें एक मैनुअल बुक भी है, या आप इसे बोल सकते हैं शायद वारंटी कार्ड हो। हाँ, ये वारंटी कार्ड भी इसमें आपको मिलता है, इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा ये कलर लग रहा है। बेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी भारी है, वज़न कम से कम 1 kg होना चाहिए उठा के, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। बाकी इसका जो साइज़ है वो 4.2 लीटर जैसा कि आपने उसमें देखा, और लिड भी है इसमें। तो इसमें मैं कुक करके आपको दिखाता हूँ। ये वॉक मैंने बेसिकली लिया था चाइनीज़ के लिए, कि जैसे हम नूडल बनाते हैं, फ्राइड राइस बनाते हैं, तो मुझे एक इसकी नीड थी तो मैंने लिया है। अब मैं कुक करके इसमें आपको दिखाऊँगा और आप बताइएगा कि ये कैसा है। तो कितना खूबसूरत सा ये सेट यहाँ पर लिड और वॉक का रखा हुआ है। इसमें ये हैंडल है, स्टील का हैंडल लगा हुआ है। शायद कई हैंडल ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा गर्म होने पे हीट करने लगते हैं, तो शायद वो शिकायत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि ये शिकायत नहीं होगी। बाकी लिड काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, पैन भी काफ़ी गहरा है। तो आइए इसमें आज कुछ कुक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है इसकी खासियत, क्यों मैंने इसे लिया है, क्यों मैं इसे लेके आया हूँ, दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले चॉप कर लेते हैं प्याज, कैप्सिकम, गाजर और मिर्चा लहसुन। और यहाँ पे मैं कैबेज काट रहा हूँ, बहुत ही छोटा छोटा काट रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि आप जान गए होंगे कि क्या बनने जा रहा है इस वॉक में। आज मैं बनाने जा रहा हूँ फ्राइड राइस। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, चूँकि वॉक का रिव्यू भी चल रहा है और एक रेसिपी भी आपको मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लहसुन मिर्चा डाल दिया है, फिर हल्का सा इसे सॉटे कर लेंगे, फिर प्याज, और प्याज के तुरंत बाद ही कैप्सिकम और गाजर डाल देंगे। इसे सॉटे करते हैं सब कुछ मिला के एक साथ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, चूँकि वॉक गहरा है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे वुडन कलछी ली हुई है ताकि इसमें स्क्रैच ना लगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसे सॉटे कर रहा हूँ मैं। काफ़ी अच्छा हैंडल इसमें दिया गया है जो बिल्कुल भी हीट नहीं कर रहा है, और इसे घुमाने में भी आसानी हो रही है। कई बार मैंने देखा है कि लोग जो बनाते हैं ठेले वगैरह पे या रेस्टोरेंट में, वो पैन के ऊपर आग लगा लेते हैं, तो वो भी मैं ट्राई करूंगा कुछ समय बाद, आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने चावल डाल दिया है क्योंकि मैं फ्राइड राइस बना रहा हूँ। कितना आसानी से इसे हिलाया जा सकता है, तो मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ। ये देखिए फ्राइड राइस रेडी है। इस वॉक में आपने देखा कि आज मैंने क्या बनाया और कैसे बनाया। तो इस वॉक का रिव्यू मैंने आपको दिखाया, कुकिंग करके भी दिखाई कि कुकिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है आप लोग थोड़े से एक्सपर्ट होंगे, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ वॉक के यूज़ करने को लेके। तो फिलहाल आज मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊँगा। तो फ्राइड राइस बनाया, अब जाहिर सी बात है इसमें नूडल्स भी बनाऊँगा आगे चल के, इसमें मैक्रोनी भी बनाऊँगा, इसमें हो सकता है पास्ता भी बने। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जो मैंने 1300 रुपये के आसपास इसे परचेज किया है। प्रेस्टीज का है, मेड इन इंडिया है, लिड के साथ में है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। अगर आपके घर में 5 से 7 लोग हैं तो आप इस पैन में, इस वॉक में बना सकते हैं जो भी आप बनाना चाहें, चाइनीज़ बनाना चाहें।
तो मेरे हिसाब से तो ये मेरे लिए वर्थ इट है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा। और वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो थैंक यू, और प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।